राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन पार्टियों ने इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने राजस्थान की जनता का सियासी मूड जानने के लिए सर्वे कराया है। राहुल गांधी की टीम जब सर्वे के लिए ग्राउंड पर उतरी तो लिस्ट में सबसे बड़ा सवाल था। ये वो सवाल है जो इन दिनों कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में घूम रहा है, और इसी का जवाब जानने के लिए 200 विधानसभा सीटों पर एक सर्वे कराया गया है। जुलाई में हुए इस सर्वे में राजस्थान का सबसे पसंदीदा चेहरा के साथ साथ ऐसे कई सवाल पूछे गए जिससे ये अंदाजा लगा सके कि कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो। ये सर्वे सियासी गुटबाजी के बीच इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राहुल गांधी की टीम ने ये सर्वे कराया है। इसमें गहलोत सरकार के कामकाज, कांग्रेस की जमीनी हालत, मौजूदा विधायकों की हालत, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट फैक्टर, सीएम चेहरे, अगले चुनावों के वोटिंग पैटर्न सहित करीब 10 बड़े मुद्दों पर जनता की राय जानी गई है। फिलहाल इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस किया जा रहा है। कांग्रेस के जानकारों के मुताबिक राजस्थान में आगे सत्ता और संगठन के स्तर पर कोई फैसला लेने में इसे जमीनी सर्वे के रिजल्ट का भी रोल रह सकता है। सरकार के दिसंबर में 4 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में अभी जनता की राय लेकर हाईकमान राजस्थान में चुनावी तैयारियों पर फोकस करने की शुरुआत कर रहा है। सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को दी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी की कमजोरियों को दूर करने पर काम होगा। कांग्रेस हाईकमान का राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बहुत ही ज्यादा फोकस है। कांग्रेस के पास अब केवल 2 ही राज्यों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बची है। अब इन दोनों ही राज्यों में सरकार रिपीट करवाना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान के नेताओं ने राजस्थान की चुनावी तैयारियों पर होमवर्क शुरू कर दिया है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।